आद करूं गुरुदेव को वंदन, वाहेगुरु मुख माहे अचारी, दोए कर जोर करूं चरणा पर, जाऊं सदा गुरु को बलिहारी, कान सुने उपमा गुर की, गुर मूरत ध्यान हृदय महंतारी, वाहेगुरु श्री गुरु नानक साहिब, सेवक सारण गही दरबारी, दंडौत बंदन अनक बार, सर्व कला समरथ, डोलन ते राखह प्रभु नानक दे कर हथ, ज्ञान अंजन गुरदिया अज्ञान अंधेर बनास, हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास, मू कुचरै शास्त्र खाट पिंग गिरन चढ़ जाए, अंध लख बदरौ सुन जो काल कृपा कराए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो घर दई वसाया, जित पार ब्रह्म चित आया, सो घर दई वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा सगल मटाया, हर के नाम की वड्याई, आठ पहर गुण गाई, गुर पूरे ते पाई रहाओ, प्रभ की अकथ कहानी, जन बोल है अमृत बाणी, नानक दास वखाणी, गुर पूरे ते जानी, प्रभ की अकथ कहानी, जन बोल है अमृत बाणी, नानक दास वखाणी, गुर पूरे ते जानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वछल करणा निधान, दीना बंधु पतत पावन, जगत गुरु निरंजनी ज्योत, धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की अपार बख्शिश कृपालता का सदका, आप सारे नगर इलाके की समूह साध संगत और इतों के सोसाइटी सारे सेवादार और सहयोग देने वाली सारिया संगत, प्रबंधकों का, संगतों का, सारिया का धन्यवाद है, जिन्होंने गुरु महाराज की वोट लैके एक कीर्तन दरबार हर साल की तरह इस साल भी खुले सोहने पंडाल तैयार करके गुरु महाराज वास्ते बड़ी सुंदर स्टेज सजाई है और सतगुरां दे प्रकाश किए हैं। हुणे हुण बड़े प्यार दे नाल इस इलाके दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रचारक भाई साहब भाई हरजीत सिंह जी, जो इलाके बड़ी मेहनत दे नाल प्रचार की सेवा करते हैं और खास करके नौजवानों प्रेरित करने वास्ते
उद्यम करते रहते हैं। उन्होंने प्रोग्राम बारे बड़े विस्तार दसे दिता इशारिया नाल। आओ सारियां संगतां प्यार दे नाल गुरु महाराज के पावन चरणों में जुड़िए। भावें रुत बड़ी करसाना वास्ते फसल सांभण दी है, पर बहुत सारिया ने फसल तकरीबन कटाई हो गई है, संभाल भी हो गई है, तो फिर भी जो कोई रहिंदा है ये समागम भी जरूरी है, क्योंकि जे आपां सिखी दी संभाल ना कीती फिर साडा सारा कुछ ही अधूरा है, क्यों सिखी दे नाल ही कोई सिख है, ते जे साडे कोल सिखी नहीं फिर असीं सिख नहीं। सिख कौन है? जड़ा संगत विच आ के गुरु महाराज दी मर्यादा नूं रहत नूं सिखी सिधांतां नूं गुरमत नूं गुरबाणी बारे इतिहास बारे सिखदा वो सिख है। जड़ा फेवना असूलां नूं जो दस्या गया प्रथम रहत जे जान खंडे की पहल ले सोई सिख सजान अवर न पहल जोले। इस वास्ते सब तो पहली गल ये है खंडे की पहल खंडे का अमृत छकना पी वह पहल खंड धार होवै जन्म सहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। ते जड़ा होर पहल लेंदा जिवें अजकल कई तरह का लोग करते हैं, कोई अपने पैर का अंगूठा धो के पला दिता जां कोई बड़े बड़े कड़ाहां दे विच रूह आफजा पा के पला दिता, वो भाई कोई अमृत नहीं है। अमृत किहड़ा है? अमृत एको शब्द है जिथे शब्द की बरकत है। हुण शब्द की बरकत हरेक दे पास हुंदी ने, अमृत की खोज वास्ते बड़िया ने यतन किए। पुराना इतिहास पढ़िए कि अमृत पैदा करिए समुद्र विचों, समुद्र नूं रिड़किया गया 14 रतन कढ़े एक ही वंड दिया एक एक वंड दिता उहदे विचों ये शराब का घड़ा ते अमृत का घड़ा उहनां दे प्राणां दी ये व्याख्या कढ़िया। ते जिहड़ा इंद्र का लड़का जयंत सी दंतां नूं चाकमां दे के वह घड़ा चुक करके लै गया ते भलेखा पाउण लई शराब का घड़ा रख दिता। जदों उन्हां नूं पता लग्या वी हेरा फेरी हो गई वह मगर भजे ते मोहरे मोहरे वह देवते ते पिछे पिछे दैंत। पहला वो इतिहास दस रहा प्राणा का कि हरिद्वार लैके गए उत्थे जाके पीवांगे, उत्थे ना दा ख्याल कुछ बूंदा डिगिया ते 12 साल बाद कुंभ का मेला लाउंदे। कुंभ का नाम ही घड़े नूं कुंभ कह देंदे। दैंत उत्थे भी मगर चल गया, उत्थों जो भजे फिर इलाहाबाद आ गए, उत्थे भी मगर आ गए पी ना सके, उत्थे भी 12 साल बाद कुंभ का मेला लाउंदे। 6
ਛਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਰਧ ਕੁੰਬੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਗਰ ਜਲੇ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਉੱਥੋਂ, ਅਜੈਨ ਚਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੀ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੰਭ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਚਲ ਗਏ ਨਾਸਕ ਤੋਂ 18 ਮੀਲ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਪਹਾੜ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿੰਬਕੇਸ਼ਵਰ। ਹੁਣ ਆ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਕੁੰਭ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋੜਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲਾਂਗਾ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਅਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੁੰਡ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪੀ ਗਿਆ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਕਥਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਛਰਾਂ ਸੀ ਉਰਵਸ਼ੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੇਵਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਖੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਲੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚਲਿੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖੇ ਜੀ ਗਿਲਜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੁੰਡ 'ਤੇ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਆ ਕਿ ਉਮਰ ਤਾਂ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੀਣੇ ਨਾਲ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਲਜ ਸੀ ਅਤੇ ਸੋਰਾਂ ਚੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਉਮਰ ਲੰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਕੋੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨ ਜੀ ਭਰਿਆ ਆ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਜੀਦਾ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਢੂੰਡੇ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ, ਫਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾਂ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਕਦੇ ਨਾ ਪੀਤੋਸ ਪਿਆਲਾ ਦਸਤ ਭਰ, ਕੌਣ ਕਹੇ ਵਜੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ, ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਖਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੰਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੰਦ ਵੇ ਘਟੇ ਵਧੇ ਕਿਉਂ, ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਾਂਤਾਂ ਦੇ ਓਠਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਕਿਉਂ ਹੋਣ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ, ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿੰਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਾਈ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਚਰਨ ਧੋਏ ਰਹਿ ਹਰਾਸ ਕਰ, ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਪੀ ਲਾਇਆ। ਚਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਚਾਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਰਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ।
श्री जप जी साहब का पाठ करके पांच पतासे पा के वो जल जड़ा सी महाराज अभी मंत्रित करके बख्शिश करते। पांचवें पातशाह ने नाल आनंद साहब का पाठ आरंभ किया। यह परंपरा छेवें पातशाह जी ने इसे परंपरा नूं तीर दी नोक विच फेर के फिर वो बख्शिश करनी। यह नौवें तक चलती रही। फिर दसवें पातशाह जी ने 1699 की विसाखी नूं अलौकिक खेल खेली सिखी की परख की, जिन्होंने सीस भेट किते। धन धन भाई दया सिंह साहब जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोहकम सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहब सिंह जी। फिर खंडे वाटे का पांच बाणियां पढ़ के अमृत तैयार किया। श्री जप जी साहब, श्री जाप साहब, तब प्रसाद सवैये चौपाई आनंद साहब संपूर्ण। फिर महाराज ने यह उन्होंने दात बख्शिश की। बाणी बाणा मूल मंत्र गुरमंत्र जिन्हों बाणियों ने अमृत तैयार होया, सवेर का नितनेम, शाम नूं रह रास आरती कीर्तन सोहला, ये दात बख्शिश होई। पांच रहतां परपक होना ते चार बजर करहतां तों बचना, ये सारी जड़ी मर्यादा सी स्थापित कीती। और भाई नंद लाल साहब जी ने इस प्रकार लिखिया, निशाने सिखी ई पंज हरफ काफ, हरगिज ना बाशद पंज मुआफ, कड़ा कारदो कश कंघे बेदां, हस्त केस हेच जुमले निशां। और ये भी शब्द कहे है, सिखो दाढ़ी तारीफ बगैर दाढ़ी दर्शना दी दिंदे। सिख की इज्जत दाढ़ी केस है, जिन्हां दे चेहरे ते नहीं, मैं उन्हां दे मत्थे नहीं लगना चाहुंदा, क्योंकि साबत सूरत दस्तार सिरा। साबत सूरत रब बनाई, बेईमान भन गवाई। साबत सूरत रब दी भन्ने बेईमान, दरगाह ढोई ना मिले काफर कुत्ता शैतान। इस वास्ते सोहने केस जन लंबड़े बाला, यह अकाल पुरख का अलंकार वर्णन किया। उहदे केस बड़े लंबे है। और जिन्ने पीर पैगंबर अवतार देवी देवते सारे जटा जूट है। हुण भी आ महाभारत जां रमायण दे सीरियल आ हुणे रमायण होके हटी है, वो फर्जी केस दाढ़ी मुछां लाए बिना उन्हां दा वो सीन पूरा नहीं हुंदा। ते जे इन्हां बिना पूरा नहीं हुंदा ते फिर जो परमात्मा ने बख्शिश कीती है उसनूं संभालना बहुत फर्ज है। ये फर्ज है इस वास्ते साध संगत जी कि महाराज ने रहतनामे च यह भी वचन हैगे है कि ये पौहल तो बिना अमृत तो बिना भेखी मूर्ख सुख सिख कहा। उन्हें भेखी है नाल मूर्ख कहा। इस वास्ते समागमां दे करन दा प्रयोजन कि असी अपने घर नूं वापस मुड़िए। जड़ियां परंपरावां महाराज ने बनाईयां, गुरमत सानू सिखी सिद्धांत सानू दिते है, उन्हां नूं ग्रहण करिए। जदों ग्रहण करांगे फिर सानू महाराज की बख्शिश होएगी, क्योंकि पातशाह जी का हुक्म है, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब जे गह विपरन की रीत तब मैं ना करूं इनकी प्रतीत। इस वास्ते महाराज के बचन आ कोई अपने बनाए हुए नहीं। हुण जदों फिर पंजां प्यारियां नूं दात बख्शिश की ते हजूर पातशाह
फिर पंजां प्यारे नूं पंथक शक्ति दिंदे है अते आप खालसा जी दात मैनू भी बख्शिश करो। भाई साहब भाई दयाल सिंह जी कहन लगे महाराज पंथ ने सीस भेट करके आप पंथ की भेटा की दोगे। हजूर पातशाह कहिंदे सरबान सदान गज के बोलो कहा नहीं दिता सरबान सदान। इस करके अभेदता वरताई आ खालसे ने भरम पेखते रहे न्यारा सो खालस सतगुरु हमारा। अज तक जिन्हें पीर पैगंबर होए है उन्हां तो गाहां उन्हां दी परंपरा नहीं चली ना उन्हां दी अपनी कोई निजी बाणी है। उन्हां दे सेवादारां ने उन्हां दे निमित्त ग्रंथ लिखे है। इको एक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी है जड़ी हजूर महाराज ने अपने मुखारविंद तो आचारी। पहला सरूप करतारपुर साहब वाला ते भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने यह सेवा मिली। जदों दसम गुरु जी ने साबो की तलवंडे नौवें पातशाह की बाणी दर्ज करके कृपा की टकसालां विद्या के अर्थ पढ़ाए उस सरूप की सेवा भाई साहब भाई मनी सिंह साहब जी ने की जिन्हों की बंस में 58 शहीद होए एक परिवार के और उन्होंने चार उतारे बाबा दीप सिंह साहब जी ने किते। उन्हां सरूपां दे दर्शन भी किते आ ते कथा करन दा सुभाग भी कुछ कुछ दिन मिलिया। अज जिहड़ा सरूप प्रकाशमान हुंदा है इह सरूप दा नाम है दमदमी बीड़। इसे सरूप तों व्याख्या हुई टकसालां दी आरंभता। इसे सरूप नूं चार दिन पहलां ज्योति जोत समाउण तों पिछे 300 साल आपां हजूर साहिब मना चुके हैं। 15 साल हो रहे हैं ते गुरु महाराज नूं इह गुरता गद्दी दित्ती गई। चार दिन ज्योति जोत समाउण तों पहलां और ज्योति जोत समाउण वेले और कवि सेनापति ने गुरसोभा ग्रंथ विच ये बचन लिखे है। लखारियां ने तो बहुत तरह लिखे है पर महाराज के 52 कवियों चो एक कवि है उन्हें लिखे है किते दिवस बीते समायांत आयो करो बेग प्रसाद ऐसे बतायो कशु भोजन खाए कै नीर पीना भरोसा सबन को भली पांत दीना राई अर्ध रातं करी चार औरे भयो शब्द रूपी करी बात औरे। कहिंदे बहुत दिन बीत गए जदों गुरतागदी दी रस्म हो गई कहिंदे हुण साडी सचखंड जाण दी तैयारी है। पंगत विच बह के संगत विच कशु भोजन खाए कै नीर पीना कुछ भोजन भी महाराज ने अंगीकार किया जल भी छकिया। भरोसा सबन को भली पांत दीना जिन्होंने महाराज के नाल किन्नी खिदमत सेवा की युद्धां जंगां विच वो सिंह भी नाल सी नवीं संगतां भी तैयार हुई उस इलाके विच ते विछोड़े का दुख तो हुंदा ही है। बिरह बिरह आखिया बिरह तू सुल्तान क्या है दुख वे छोड़ा एक दुख भूख एक दुख सगत बार जमदूत एक दुख रोग उठा तन ताए बैद ना भोले दारू लाए। बछोड़े दे दुख नूं पहला नंबर दिता गया होर दुखां नूं। महाराज ने फिर सारिआं नूं तरवास दित्ती तन सने झूठा कर जानू ये शरीरां दा जिहड़ा प्यार है झूठा। इस वास्ते जिमें जल सलता मैं बह जाई पानी दियां लहरां पानी विच रुढ़ी जानियां शरीर आए चले गए
शब्द मिलावा होता दे मिलावा ना है। सदा रहने वाली चीज की है, शब्द साचा पिंड काचा। शब्द सच्चा है तो पिंड झूठा है शरीर। हुण कईआं दा ख्याल है कि गुरु ग्रंथ साहिब अग्न भेट कर दते ये खत्म हो जाएंगे, वो अंग भंग करते खत्म हो जाएंगे। ये खत्म होने वाली चीज नहीं, ये अखंड है, ये शब्द है। शब्द का खत्म होता ही नहीं। वो अपनी करतूत करके उन्हीं गाहां वास्ते नरक का बीज बीज रहे है। शब्द खत्म होने वाला नहीं। शरीर तो एक बारी संस्कार दो, दूआ शरीर नहीं होता। शरीर के अंग कट दो तो मुड़ के मुश्किल है। पर यह तो सदा जगदी ज्योति नूं क्यों कहा? शब्द साचा पिंड काचा। शब्द सच्चा है, इसे करके शब्द नूं गद्दी दित्ती है। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्द है जग बौरा। असी सौ गए सी, असी अवेसले हो गए सी, क्योंकि दुश्मन ही सचेत करदा। यह घटना होना सिखी इन्नी सचेत हो गई, वो तुसी सारा वेख ही रहे हैं। गज के बोलो, यह तुहानू जगाया, जाग पाए हुण तुसी। सावधान होने की लोड़ है। उठ जाग घराड़े मार नहीं, ये सौन तेरे दरकार नहीं। नशियां बिशियां का त्याग करो, फैशन परासी तो उपर उठो। अनमतियां ते चक्कर चो निकल के गुरु की मत धारण कर लो। गुर की मत तू लेह एने, भगत बिना बाडूबे सियाने। जिमें वह शेर का बच्चा किते बिछड़ गया, घमियारां दे हाथ आ गया, उन्हें जी गुण लद के गधियां वाला काम लैना शुरू कर दिता। एक दिन शेर ने देखा भी बच्चा मेरा यह खोता बन के गुणा ढो रहा। वो कहिंदा तू पुत मेरा काम की करदा? कहिंदा जी मैं तो खोता। कहिंदे कौन कहिंदा खोता? चल नदी को शकल देख ला, मेरे नाल रलदी कि खोते ना? कहिंदे शकल तो तेरे नाल ही रलदी है। कहिंदे फे किवें करना चाहिए? कहिंदे जिवें मैं दसदा। हुण बुब मारी, कहिंदे बुब मार, गूण परे सिटी सारे भजा दते। ते खोतियां च बैठांगे ते बिरती खोतियां वाली होनी ना। खोतियां दी हालत किवें हुंदी है? शाम नूं कट्ठे हो जांदे आ तुहाडे पिंडां च, देख लिओ किते कट्ठे हो के पहले तो मूँह चटदे, फिर पेठां जोड़ लैंदे। जिले जाना हुंदा दलते मार के उधर दौड़ जांदे उधर। ते नशे पीण वाले दी भी यही हालत हुंदी ना। ये दलते वजदे, इन्हां चीज़ां तों उपर उठो। उठ करके भन बोतल तोड़ प्याले नूं, लख लाणत पीने वाले नूं। डूबे हैं गलासों ना उभरे जिंदगानी में, सैकड़े ही बह गए बोतलों के बंद पानी में। किसी नूं प्याली ने ढा लिया पौए ने, ते किसी नूं बोतल ने। असीं बलै च गए, मैनेजर साहब बैठे, आली साहब सारे सियाने गुरमुख प्यारे महापुरख बैठे है। वो गधे दे जी गल च बोतल पाई हुई। मैं क्या ये की है? कहिंदे जिहड़ा पींदा गधा बन जांदा। क्योंकि अद पा पी के बांदर बन जाए, पौआ पी के तोता बन जाता। फिर तोते वांग कुतरा मुतरी बहुत करता, ते बोतल पी के फिर कहिंदे आ जिहड़ी फोटो उह बन जाता। ये चे सारे नुक्श हैगे है। हुण तां आपां बहुत उपर टप गए, आ समैक आ गई, होर किन्ना कुछ आ गया। आपां बार्डर दे नेड़े ही हैं, सरहदी सूबा है। पहलां आउंदे सी मुगल लटेरियां दे रूप च, जिले देखिया इत्थे बेली वारस नहीं। हौली हौली सूरज वाला झंडा लै गया, तो हैदरी झंडा चो लग गया।
इज्जत माल सारा कुछ तबाही हो गई। फिर मारे ने अमृत छका के खालसा पैदा किया, वो दरे खैबर के मूँह बंद किते। फिर इत्थे लोग पढ़न लग पए सी, हई बई हई रन बसरे नू गई बोड़ी मोड़ी बाबा कछ वालिया। कछ वाले नू चेते कर दे क्योंकि कछ वाला रख्या कर दो। ते हुण तुसी आपे ही कशहरे लाते, रोमे दी बेअदबी ककारा नू त्याग दिता। किथे दा तुसी दुए दे धर्मां दी रख्या करदे सी, दुयां दीआं इस्त्रियां दी रख्या करदे सी कि साठ साठ हजार सिंह गिरती चढ़ा लै, हिंदुआं दे मंदर तोड़ी जांदे सी तुसी रख्या करदे सी। साडे गुरुआं ने कीती, सिंह भी शरण चा रख्या करदे रहे। ते दुख ना हुण कहना पै रिहा अज तुहाडे गुरद्वारियां च बेअदबी हो रही है, हुण तुहाडी रख्या कौन करेगा? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि असी सिंह पुणा छड़ दिता, वो गिदड़ां च बह के गिदड़ बन लग पे, अपने स्वयं स्वरूप नूं भुल गए। महाराज नूं एक बार पूछा बाणे दा की है, कहिंदे दसांगे। एक साध संग जी खोते दे शेर दी खल मढ़ दित्ती, मूँह बन के छड़ता, शहर च लला लो हो गई। अज तां जी शेर आ बड़िया, महाराज को आ गए, महाराज तुसी जंगलां जाके शेरां दा शिकार खेलदे, हुण तां शहर च घूम रहा, बड़ा नुकसान हो पेगा। महाराज मुस्कुराउण, सिंघां नूं हुक्म लाया फड़ के लिआंदे जिले खल। अखे जी तां खोता ही डरदे रहे, क्यों डरे? बुरका शेर दा सी, ते बाणे च बरकत हैगी कि नहीं हैगी? कई कहिंदे साडे अंदर सिखी है, जे बाहर निकले तो फेक ही डर हो। अंब की गुठली च अंब होएगा तो निकलेगा ना, तो जे गुठली च है ही नहीं निकलूगा कितों? अंदर सिखी होवे तो बाहर सिखी आ जानी चाहिए है। पर यह हैगियां टोचरां, मन हरामी हुजतां ढेर, ये हुजतां कर रहा मन, तो जड़ा गुरसिख है वो हुजतां नहीं करता। वो तो सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जाके हृदय प्रवेश। ये तो गुरु नानक साहब के घर की पढ़ाई सत बचन की है, एक ने कही दुए ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। ये तो सत बचन का घर, इत्थे हुजत नहीं, दलील नहीं, वकालत नहीं चलती, अपील बेनती तो होंदी है। इस करके गुरमुख प्यारियो, ये समागम करन दा प्रयोजन ये है कि असी पिछले साल कीता हुण कर रहे हैं, ये लोखा जोखा देखना कि जिथे पिछे खड़े सी उत्थे ही हाँ कि गाहां कोई पैर पुटिया। जे तां कोई सुधार कीता, परिवर्तन आया, फिर इन्नी माया खर्च कीती, तुहाडा उद्यम कीता सफल है। ये तो नहीं भी जिन्ना तुसी आ सेवा करदे निष्फल है, क्योंकि गुरु घर च एक करी आधी करी आधी हुफन आदि भगतन छेती गोष्ठे, जो किनू सो लाभ ते है। पर मुकम्मल लाभ तां आ जदों गुरमत बचा के गुरसिखी अमृत छा के गुरु वाले बन जाओगे। पातशाह का हुक्म ये है, हो सफला तब ही जगत है, हो लग जा तन को बडपन दे, हो जां की जात और कुल माही, न सरदारी पई कदाही, तिन्ही को सरदार बने हो, तबे गोबिंद सिंह नाम कह हो। सवा लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूं, ते की हुण सवा लाख पिंडां च नहीं रह गया जड़ा गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कर रहा? पिंडां दे लोग सौ गए, नशिया ना धुत हो गए, उन्हां नूं अपने आप की सोझी नहीं, इस्त्री परिवार संभालण की सोझी नहीं, ते गुरु ग्रंथ साहिब वल ध्यान किहदा जाणा? ते जे सिंह बन जाइए, जंगल च शेर कला ही हुंदा,
बुकिया सिंह अजाड़ विच सब मरगावल भन्नी जाई। फिर तां डारां दौड़ियां जानियां सिंह नूं देख के, जे नगर च एक भी सिंह होवे आ जिहड़े कायराना घटना करदे है लोक के चोरां वांगू, किते अगन भेट कर गए, किते अंगां दी बेअदबी कर गए, वह कोई सूरमे बंदे ने, कायर ते मूजी बंदे है, अखलाक और धर्म तो गिरे हुए मनुष्य हैं। ते जे एहो जिहे मनुष्यां नूं सांभण दी हिम्मत नहीं रही, ये क्यों नहीं रही? क्योंकि अगे सिखी छड़ दित्ती, सिखी सिधांत छड़ दित्ते, सिंघ पौना छड़ दित्ता। ते जेहो जिहा दबड़ूआं घुसूड़ां 'च बहिंदे आ उहो जिही बिरती बन गई। ये समागम करन दा प्रयोजन यह है, जागो, जाग ले हो रे मना, जाग लो, कहां गाफल सोया। महाराज दसम पातशाह नूं कहिंदे महाराज उत्थे सानू लुट लिया कुटिया। महाराज कहिंदे जड़ा आउंदा कहिंदे मैनू लुटिया कुटिया, कदी इह भी दसो भी असीं भी कुछ करके आए हां। मैं ये सुनना नहीं चाहुंदा। जदों दादू दे देरे गए, महाराज तुसीं इन्ना कुछ कीता तां ही आ कुछ होया। महाराज कहिंदे कमाल दी गल, मैं इस देश वास्ते सब कुछ कुर्बान कर दिता, हाले भी सिक्ख्या मैनू दे रहे है। वो कहिंदे दादू जी ने कहा, दादू दावा छड़ के निरदावे दिन कट, केती सौदा कर गई इस व्यापारी दी हट। ते पातशाह की कहिंदे दादू दावा बन के दुनिया लई है लुट, एको रैसी खालसा होर मरसी सब होट। जे को मारा ईट टेम पाथर हने रसाए। छेवें पातशाह नूं शाह दौले ने पुछया सी महाराज ये फकीरां दी गद्दी अज तलवारां। कहिंदे एक मीरी दी एक पीरी दी, एक ना ना पीरां दी पीरी खोलणी है, एक ना दी मीरां दी मीरी खोलणी है, एक गऊ गरीब दी रखिया लई, एक जरबाणे दी पखिया लई। जड़े दुष्ट लोग है शास्त्र बिना काबू नहीं आते। गज के बोलो। ते हुण पिंडां विच करपान तो प्रसाद नूं भोग लुआण लई नहीं लजदी। गज के बोलो। फिर रख्या क्या करनी है? ना इष्ट दी, ना निशान दी, ना धाम दी, ना अपनियां जनानियां दी, ना परिवार दी, अपनी रख्या करन जोगे भी नहीं रह गए। जड़ा अमली आदमी उहदी नित परलो हुंदी है। जदों नशा टुटा है बोरी च पा के जिथे मर्जी रख्या हो, मुरदे दे तुल हुंदा हो, तिन मित हुंदी है, कोई युद्ध जंग हो गया, कोई मरी पै गई, प्लेग पै गई, अपचाल आ गया, कोई निमित बन गया, माहा परलो जदों अरबद नरब धुंधू कारा बन जांदा। अखलाकी मौत है, राजनीतिकां दी मौत है, कई तरह दियां, एक है ही कुदरती जिहड़ी सब ते आउणी है। इस वास्ते गुरमुख प्यारिओ ये समागम बहुत वधिया, पर अज कुछ लैके जायो। जड़े नशे पींदे आ ना वो अज छड़ जाओ, जड़े नहीं पींदे वो बांह खड़ियां करो थां। मतलब कुछ क है गए आ दूआ माल छकण वाले भी, वो छड़ जाओ भाई, कुछ लैके जायो, कुछ छड़ के जायो। सांझ करीजा गुणा केरी, छोड़ अवगण चली है, पहरे पटंबर कर अडंबर, अपना पिड़ मलीज, जिथे जाए बहिजै भला कहिजै, झोल अमृत पीजै, गुणा का होवे बासला कट बास लीजै। आप पढ़ियो एक धारना गज बज के सारे। एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ, माला पाले एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ, एक फिर दे बेपरवाह, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ,
एक फिरदे बेपरवाह, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ, एक नानू सोजी आ गई आ। एक नानू तो समझ आ जांदी है तुर पंदे लाइन ते, एक फिर लापरवाह के घूमी जांदे, फिर हुंदा की है जन भगत नू को कहो ना मानो ते फिर कीतो अपनो पई है। इस वास्ते गुरमुख प्यारो कीर्तन दरबार बहुत हुंदे आ, बड़ी चंगी गल है, पर नाल उदन अमृत संचार जरूर रखिया करो। कोई रिजल्ट तां निकले ते अज किन्नियां ने अमृत छकिया, किन्ने गुरु दे जहाजे चढ़े, बेड़ा तैयार कर दिता, बैठा बिच कोई बना, टिकट मिलिया ही ना किसे नूं, उह तां बंदरगाह ते जाके उवें मुड़ गया, फायदा की होया। नाल अमृत संचार सुनते भाई सोसाइटी वाले, अगले साल ना कच्चा काम करो, पांच प्यारे बुला के अमृत संचार नाल रखो। जिन्हें कीर्तन दरबार होंगे है ये कमी रहती है, ये जरूर होना चाहिए, ते संगत भी तैयार होके आया करो, भाई असि गुरु के जहाजे चढ़ना, पता तो लगे फलाने थां कीर्तन दरबार होया सी, अज गुरु दे बेड़े विच चढ़ गए, नानक बेड़ी सच की ये सच्ची बेड़ी ते। सो इस करके आओ भाई शब्द की विचार संखेप सुन लीए, तो टाइम माड़ा जिहा दस दिओ हैड ग्रंथी साहब। हाँ जी बस संखेप। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सोरठ महला पंजवां। सोरठ राग दी बाणी पंजवें सतगुरु जी कृपालता करदे हन। चित पार ब्रह्म चित आया, जिन्हां हिरदियां च पार ब्रह्म परमेश्वर चेते आए हन। सो घर दई वसाया, सो घर दई परेरक जो वाहिगुरु परमेश्वर इथे दद्दा ते जइए नूं सिहारी है। ये पाठ बनेगा दद्दे नूं दद्दा, ईड़ी नूं ईवियारी, ते ईड़ी नूं इस सिहारी, जो संपरदा दा भेद है। इस तरह दई दई मैंने जो प्रेरक है उसने उन्हां घरां नूं बसाउणा कीता है। सुख सागर गुर पाया, सुखां दा सागर परमेश्वर सतगुरां द्वारा प्राप्त कीता है। ता सहसा सगल मटाया, जिन्ने भी संसे सन बपरजे सारे दे सारे गुरबाणी तो सेध लैके मटाए हन। हर के नाम की वड्याई, हरि परमेश्वर दे नाम दी वड्याई बहुत वड्डी है। आठ पहर गुण गाई, ओ गुरमुख प्यारे बख्शिश लैण लई अठो पहर मालक दे गुण गाउंदे हन। गुर पूरे ते पाई, पूरे सतगुरां तो ए बख्शिश प्राप्त हुंदी है। रहाओ विश्राम दे के पातशाह जी कृपा करदे हन। प्रभ की अकथ कहानी, प्रभु परमेश्वर दी जड़ी कथा बड़ी अकथनीय है। जन बोला है अमृत बाणी, जन जड़े सेवक हमेशा रसना तो अमृत रूपी बाणी बोलदे हन, भैड़े वचन नहीं बोलदे हन। नानक दास बखानी, धन गुरु नानक साहब ने ये दासां दा भला करन वास्ते गुरबाणी कथन कीती है। गुर पूरे ते जानी, पूरे गुरां तों ये गुरबाणी द्वारा जिहड़ी गुरमत है वह जानी जांदी प्राप्त हुंदी है। ये साध संगत जी शब्द दी संखेप विचारधारा आप जी ने सरवण कीती है। भागां वालियां संगतां जदों भी समां मिलदा श्री बेर साहिब जी जा के महाराज के चरणों च ये विचार लड़ी वार भी है, ये दिनों वारा ते बाग की कथा हुंदी है, सरवण करके लाह प्राप्त करते हैं। और हर अमावस से
धन धन साहिब श्री गुरु नानक महाराज के चरणों में बेर साहब जी प्रबंधकों के सुचजे उद्यम द्वारा कंडेवाड़ का अमृत सजाया जाता भागां वालियां संगतां छक लाहे प्राप्त कर दियां जड़े भी माई भाई ये दात प्राप्त करनी चाहन वो हर अमावस से बेर साहब जाके पंजां प्यारां द्वारा महाराज चरणों अमृत छाके पीब हो पौल अंड तार होवै जन्म सहेला बाहुआ गोबिंद सिंह आपे गुर चेला लाह लै सकते हैं ते समय की संभाल करो आपो अपने नगरां विच पूरा ध्यान तवज्जो पहरा रखने की लोड़ है ते महाराज सच्चे पातशाह ने वैसे तो संगत हुण सचेत बहुत कर दिती है ज़्यादा कहने की लोड़ नहीं ते रहना संजम और विवेक विच है ते आपस विच फुट नहीं पाउणी प्यार दे नाल कई बार असीं इस वेले तुरदे हाँ यह ना होवे गुआंढियां दा झगड़ा साडे गल पै जाए यह विचार की बड़ी भारी लोड़ है जिथों के प्रबंधक सेवादारां दा नगर पंचायत दा इलाके तो दूरों नेड़ों आईयां सारियां संगतां रागी सिंह ज्ञानी प्रचारक ग्रंथी सिंह और आली साहब जी उद्यम करते हैं कि महापुरख आए है बाबा गुरचरण सिंह वाडे जाने पछाने इलाके दे सारे महापुरखों का सारिया संगतों का सारे सेवादार जड़ियाँ सोसाइटियाँ सहयोग दे रही आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह।